वेलकम टू ENN टीवी इंदू मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। आखिर इंग्लिश लाजमी क्यों है? क्योंकि इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी हिस्सा, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी जुज, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी तकाजा और इंग्लिश दौर जदीद की लाजमी जरूरत। आज के इस दौर में इंग्लिश का आना भाई से इत्तेफाक, इंग्लिश का ना आना भाई से नदामत, इंग्लिश का आना ज्यादा दर्जे की अनामत, इंग्लिश का ना आना कम दर्जे की अनामत, इंग्लिश का आना ज्यादा तालीम याफ्ता होने की अनामत, इंग्लिश का ना आना कम तालीम याफ्ता होने की अनामत, इंग्लिश का आना ज्यादा बाशऊर होने की अनामत, इंग्लिश का ना आना कम बाशऊर होने की अनामत, इंग्लिश का आना ज्यादा अकलमंद होने की अनामत, इंग्लिश का ना आना कम अकलमंद होने की अनामत, इंग्लिश का आना ज्यादा रोशन ख्याल होने की अनामत और इंग्लिश का ना आना कम रोशन ख्याल होने की अनामत। ENN टीवी इंदू मीडिया नेटवर्क आपके लिए लाए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज, सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा मौसम इंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। फर्स्ट लेवल यानी इंदू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलने का माहिर बनाता है। सेकंड लेवल यानी इंदू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश प्रॉपर बोलने का माहिर बनाता है। थर्ड लेवल यानी इंदू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको न सिर्फ ग्रामर, अकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाता है बल्कि आपकी शख्सियत को इंग्लिश एक्सपर्ट में तब्दील करके रख देता है। आइए देखते हैं आप इंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दीगर तमाम कोर्सेज से मुख्तलिफ क्यों है। दीगर तमाम कोर्सेज रिवायती टीचिंग मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किए जाते हैं लेकिन इंदू ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किया गया है। ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी इंग्लिश को आपके दिमाग में इंस्टॉल करती चली जाती है। दीगर तमाम कोर्सेज का बुनियादी मकसद इंग्लिश को सिखाना होता है लेकिन इंदू का बुनियादी मकसद इंग्लिश सिखाना हरगिज नहीं बल्कि ये इंग्लिश को आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करना होता है। दीगर तमाम कोर्सेज इंग्लिश सिखाने के बजाय इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीका कार सिखाते हैं। इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीका कार सिखाना अलग काम है और इंग्लिश को सिखाना एक बिल्कुल ही अलग काम है। हर साल लाखों लोग इंग्लिश के बजाय इंग्लिश जुमले बनाने का तरीका कार सीखते हैं और फिर थोड़े ही दिनों में सब का सब उनके सहनों से उनका कुछ गायब हो जाता है। इन लाखों लोगों में से कोई भी इंग्लिश पर रोल ही नहीं पाता लेकिन इंदू इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीका कार सिखाने के बजाय पूरी की पूरी इंग्लिश आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करता चला जाता है। जब इंग्लिश आपके अपने ही दिमाग के अंदर खुद मौजूद होगी तभी तो आपकी सवाल खुद बहुत पर इंग्लिश बोलेगी। इधर तमाम कोर्सेज सिखाने वाले सीखने वाले को इंग्लिश जबान के बजाय इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसा जाते हैं। सीखने वाला ग्रामर की पेचीदगियों के जाल में फंस जाता है और इंग्लिश पर बोलने में महारत हासिल करने से सरासर महरूम रह जाता है लेकिन इंग्लिश आपको इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसाने के बजाय आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है। इंग्लू बिल्कुल मुख्तलिफ टीचिंग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करता है। इंग्लू पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दिमाग में इंस्टॉल करता चला जाता है। मजीद ये ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल जनरेशन मेथोडोलॉजी आपके दिमाग में IREP यानी IRAP यानी इंस्टेंट एंड रैंडम एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग की जबरदस्त सलाहियत पैदा कर देती है। यानी आपका दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने के बजाय इंस्टेंट सिग्नल्स की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है जो कि बहुत हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। ग्रामर की बुनियाद पर इंग्लिश बोलने वाला जितनी देर में एक जुमला बोलने की कोशिश करता है उतनी ही देर में अब तक जुमले बोल चुके होते हैं। दिल से गौर करें एक दिहाती चंद महीने अमरीका या बरतानिया में रहने के बाद बगैर ग्रामर सीखे इस तरह पर इंग्लिश बोलने लगता है। ठंडे दिल से गौर करें दुनिया में अनुभव लोग उर्दू, हिंदी, सिंधी, पंजाबी या फिर कोई और मादरी जबान बोलते हैं लेकिन जरा ये तो बताइए कि जो मादरी जबान बोलते हैं उस जबान की ग्रामर उनमें से कितने लोगों को आती है। जवाब ये है कि लोग जो मादरी जबान बोलते हैं उस मादरी जबान की ग्रामर तो उन्हें आती ही नहीं लेकिन फिर भी वो अपनी मादरी जबान पर बोल रहे होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे आपने अपनी मादरी जबान क्यों घर सीखी। जवाब ये है कि आपने अपनी मादरी जबान यानी वो जबान जो आप रोजाना बोलते हैं बगैर किसी ग्रामर के सीख डाली। जरा ठंडे दिल से बात करें एक दिहाती सिर्फ और सिर्फ चंद महीने अमरीका या बरतानिया में आराम के बाद पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है लेकिन हमारे यहाँ मास्टर डिग्री होल्डर्स भी इस दिहाती की तरह पर इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। जरा ठंडे दिल से गौर करें आखिर क्या वजह है कि मगरबी मुल्क में मुकीम एक दिहाती तो कामयाबी के साथ पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है लेकिन मास्टर डिग्री होल्डर्स ऐसा नहीं कर पाते। जवाब ये है कि उस दिहाती का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता ही नहीं बल्कि सिग्नल जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में बहुत हल्की और रफ्तार में इंतहाई तेज होती है जबकि मास्टर डिग्री होल्डर का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में भारी और रफ्तार में काफी सुस्त होती है। मजीद ये इस किस्म की प्रोसेसिंग करने के लिए दिमागी ताकत के साथ साथ दिमाग और जबान का तालमेल काफी मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर प्रोसेसिंग बहुत सुस्त रफ्तार होगी और बोलने में सुस्त रफ्तारी और दिक्कत का सामना होगा। बस इंदू आपको ग्रामर की तमाम तक पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है और आपके दिमाग को ग्रामर के बजाय इंस्टेंट सिग्नल जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने की आदत डालता है जो कि इंतहाई हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो हमारा नन्हा मुन्ना और कमजोर सा दिमाग इसी मेथोडोलॉजी के जरिए अपनी मादरी ज़बान पूरी की पूरी सीख डालता है।
न किसी किताब की जरूरत, न ही किसी कॉपी की जरूरत, न किसी पेन की जरूरत, न ही किसी पेंसिल की जरूरत, न याद रखने का डर और न ही भूल जाने का खौफ, तो फिर आखिर करना क्या होगा? अगर आप सच्चे दिल से प्रॉपर इंग्लिश बोलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा, वो भी दुनिया का आसान तरीन काम। वो वाहिद और आसान तरीन काम ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हिंदो इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को बार बार सुनना होगा। अब आपको बताइए, प्रॉपर इंग्लिश बोलने की सलाहियत हासिल करने के लिए इससे ज्यादा आसान तरीका भला कौन सा हो सकता है? अगर आप में वाकई सच्ची लगन है, अगर आप वाकई अपनी साथ से मुखलिस हैं, और अगर आप वाकई प्रॉपर इंग्लिश बोलने का सच्चा जज्बा अपने अंदर रखते हैं, तो फिर तो ये काम करना आपके लिए जरा भी मुश्किल ना होगा। जितना ज्यादा आप चैप्टर्स को बार बार सुनते रहेंगे, उतना ही ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज मैकेनिज्म, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोसीजर्स और लाखों की तादाद में इंग्लिश अल्फाज खुद ब खुद एक खुदकार निजाम के तहत आपके दिमाग में इंस्टॉल होते चले जाएंगे। हमारा दावा है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों की मुख्तसर सी मुद्दत में आपकी जिंदगी का सबसे गंभीर मसला यानी इंग्लिश बोलना आपके लिए मजीद कोई मसला नहीं रहेगा। फर्स्ट लेवल यानी कि न्यू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। सेकंड लेवल यानी कि न्यू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। थर्ड लेवल यानी न्यू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको ग्रामर, अकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाएगा। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त फर्स्ट लेवल यानी कि न्यू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स करें। अगर आप इससे भी ज्यादा आगे जाना चाहते हैं और एडवांस लेवल इंग्लिश भी प्रॉपर बोलना चाहते हैं, तो मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त सेकंड लेवल यानी न्यू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी करें। अगर आप बुलंदतरीन दर्जे पर जाना चाहते हैं और ग्रामर, अकेडमिक इंग्लिश और किताबी इंग्लिश के भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो फिर मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। तीनों दिन बाद आपकी खिदमत के विजन में मसरूफ है, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट जरूर करें और नेकी का काम यानी लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका फराहम करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV अपने जानने वालों से जरूर शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ अहम बातों का जानना बहुत जरूरी है। पहली अहम बात, जब भी हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो हो सकता है शुरू में हमें बोरियत महसूस हो, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें आदत पड़ जाती है और हमें बोरियत के बजाय मजा आना शुरू हो जाता है। चैप्टर्स को बार बार सुनने की आदत डालने कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी और आपको हर नए चैप्टर का बेताबी के साथ इंतजार रहा करेगा। दूसरी अहम बात, चैप्टर नंबर 1.1 का मतलब है पहले मॉड्यूल का पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1.2 का मतलब है पहले मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2.1 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर, चैप्टर 2.2 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर, चैप्टर 3.1 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर, और चैप्टर 3.2 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। तीसरी अहम बात, आपको पहले से इतनी ही इंग्लिश आती ही क्यों ना हो, लेकिन इस कोर्स से पूरा का पूरा फायदा हासिल करने के लिए आपने तो शुरू तो जीरो से ही करना है। यानी अगर आपने चैप्टर 1.1 से शुरू नहीं किया, तो इस वीडियो को बंद कर दें और फौरी तौर पर चैप्टर EBE 1.1 से आगाज करें। चौथी अहम बात, हो सकता है चैप्टर में मौजूद बात जुमले आपको अजीब वो गरीब महसूस हो, लेकिन आपने इनके अजीब वो गरीब होने की परवाह किए बगैर सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। असल में आपके दिमाग को उस मैकेनिज्म की आदत डाली जा रही है, जिसके तहत इंग्लिश जबान में सेंटेंसेस या जुमले बनाए जाते हैं। मजीद ये कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीजें खुद बहुत वाजे होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके बहुत से सवालों के जवाब खुद बहुत आपको मिलते चले जाएंगे। इसलिए सब तहम्मुल और इत्मीनान के साथ बस आगे बढ़ने का सिलसिला जारी और सारी रखें। हर चैप्टर को बार बार सुने और हर बार मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने। हमारी वेबसाइट एड्रेस www.inu.world, हमारा यूट्यूब चैनल www.inu.world/emntv। तो आइए जनाब बढ़ते हैं आज के चैप्टर की जानिब। EMN TV इंडो मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। वेबसाइट एड्रेस www.inu.world, यूट्यूब चैनल www.inu.world/emntv, EBE यानि इंडो बॉटम लाइन इंग्लिश, मॉड्यूल EBE 1 यानी पहला मॉड्यूल, चैप्टर EBE 1.2 यानी पहले मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। सेक्शन नंबर 1 वोकैबुलरी यानी याददाश्त। इस सेक्शन में हम कुछ अल्फाज सीखेंगे, उन्हें याद करेंगे। इस चैप्टर के अख्तिताम तक ये अल्फाज हमें याद हो जाएंगे। बार बार हम दोहराएंगे अल्फाज को, उसके बाद हम सेंटेंसेस को दोहराएंगे और फिर जो है
इस तरीके से हमें आज का चैप्टर जो है वो याद हो। सेक्शन नंबर वन को शुरू करते हैं जरा। बैड, बैड मीन्स बुरा, बैड बुरा, बैड बुरा, बैड बुरा, बैड बुरा। वर्स ज्यादा बुरा, बदतर, 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 वर्स ज्यादा बुरा, बदतर। द वर्स्ट सबसे बुरा, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, वर्स्ट, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन। बिग बड़ा, बिग बड़ा, बिग बड़ा, बिग बड़ा, बिगर ज्यादा बड़ा, बिग ज्यादा बड़ा यानी बड़ा तर, बिग ज्यादा बड़ा, बड़ा तर, बिग सॉरी बिगर ज्यादा बड़ा, बड़ा तर, 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 बिगर ज्यादा बड़ा, बड़ा तर। द बिगेस्ट सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा, बड़ा तरीन, द बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा, बड़ा तरीन, बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा, बड़ा तरीन, द बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा, बड़ा तरीन, बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा, बड़ा तरीन, द बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा, बड़ा तरीन, द बिगेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा, बड़ा तरीन। प्रॉब्लम मसाला, प्रॉब्लम मसाला, प्रॉब्लम मसाला, प्रॉब्लम मसाला, प्रॉब्लम मसाला, प्रॉब्लम मसला, प्रॉब्लम मसला, प्रॉब्लम मसला। इशू मसला मामला, इशू मसला, इशू मसला, इशू मसला, इशू मसला मामला, 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 इशू मसला मामला। डिफिकल्टी मुश्किल, 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 डिफिकल्टी मुश्किल। ईज आसान आसानी, ईज 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 आसानी। अब हम दो फैमिलीज देखेंगे। इससे पहले हमने इट दिस दीज फैमिली देखी थी पिछले चैप्टर में, इज एम आर फैमिली देखी थी। अब हम देखेंगे दैट दोज फैमिली। ये दोनों दैट और दोज जो है वो एक ही फैमिली है, इनकी मीनिंग एक ही जैसी है, शक्लें इनकी मुख्तलिफ हैं, काम इनके थोड़े से, इस्तेमाल इनके थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कप ग्लास जग बाल्टी, काम सबके एक ही है, उसमें पानी या लिक्विड रखा जाता है, लेकिन कप का इस्तेमाल अलग है, ग्लास का इस्तेमाल अलग है, बाल्टी का और जग का इस्तेमाल अलग है। दैट का मतलब होता है वो, दोस का मतलब होता है वो, दैट का मतलब भी वो है, दोस का मतलब भी वो है। अगर एक चीज बोलना चाहें आप तो आप कहेंगे दैट, और अगर ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो दैट नहीं करेंगे, दोस करेंगे। मिसाल के तौर पर वो किताब दैट बुक, और वो किताबें तो दैट बुक्स नहीं कहेंगे, दोस बुक्स कहेंगे आप। तो सिंगल के साथ दैट लगता है, और डबल ट्रिपल मल्टीपल के साथ, ज्यादा के साथ दोज लगता है। और इज एम आर फैमिली हम पढ़ चुके हैं, इज मतलब है, एम मतलब हूं, आर मतलब हैं, इज एम आर ये तीनों एक ही काम करते हैं, मगर इनके इस्तेमाल में फर्क है, काम तो एक जैसा है, इस्तेमाल में फर्क है। तो ये दो फैमिलीज हमने देखी हैं। थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं, दैट के साथ अगर इज एम आर फैमिली लगानी है, इज एम आर फैमिली में दैट के साथ सिर्फ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, दैट इज वो है, दैट इज
वो है, दैट इज वो है, दैट के साथ एम नहीं लगाएंगे, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, दैट के साथ एम नहीं लगता, दैट के साथ आर नहीं लगता, ठीक है, दैट के साथ इज लगाएंगे हम, तो दैट इज वो है, दैट इज वो है, दैट के साथ इज लगाएंगे। दोस्त का मतलब भी वो है, लेकिन दोस्त के साथ हम लगाएंगे आर, इसका मतलब बनेगा वो है, दैट इज वो है, दैट इज वो है, दोस्त आर वो है, दोस्त आर वो है, दोस्त के साथ इज नहीं लगाएंगे और दोस्त के साथ एम नहीं लगाएंगे। तो इस थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस हमने देखे, आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर टू, सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर वन, दैट वो इज है अ एक बैड बुरा प्रॉब्लम मसला प्रॉब्लम मसला प्रॉब्लम मसला प्रॉब्लम मसला बैड बुरा बैड बुरा बैड बुरा बैड प्रॉब्लम बुरा मसला 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 अ बैड प्रॉब्लम एक 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 बुरा मसला अ बैड प्रॉब्लम अब एक बुरा मसला अ बैड प्रॉब्लम एक बुरा मसला इज अ बैड प्रॉब्लम बुरा एक बुरा मसला है इज अ बैड प्रॉब्लम 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 एक बुरा मसला है इज ए बैड प्रॉब्लम इज अ बैड प्रॉब्लम इज ए बैड प्रॉब्लम एक बुरा मसला है दैट इज वो है दैट इज वो है दैट इज अ बैड प्रॉब्लम वो एक बुरा मसला है दैट इज अ बैड प्रॉब्लम वो एक बुरा मसला है दैट इज अ बैड प्रॉब्लम वो एक बुरा मसला है सेंटेंस नंबर टू दैट वो इज है अ एक वर्स ज्यादा बुरा वर्स ज्यादा बुरा वर्स ज्यादा बुरा प्रॉब्लम मसला प्रॉब्लम मसला प्रॉब्लम मसला वर्स प्रॉब्लम ज्यादा बुरा 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 मसला वर्स प्रॉब्लम बदतर मसला वर्स बुरातर मसला वर्स प्रॉब्लम बुरातर मसला वर्स प्रॉब्लम बदतर मसला वर्स प्रॉब्लम बुरातर मसला वर्स प्रॉब्लम बदतर मसला अ वर्स प्रॉब्लम एक बुरातर मसला वर्स प्रॉब्लम एक बदतर मसला अ वर्स प्रॉब्लम एक बुरातर मसला अ वर्स प्रॉब्लम एक बदतर मसला अ वर्स प्रॉब्लम एक ज्यादा बुरा मसला अ वर्स प्रॉब्लम एक ज्यादा बुरा मसला दैट इज अ वर्स प्रॉब्लम वो एक ज्यादा बुरा मसला है दैट इज अ वर्स प्रॉब्लम वो एक ज्यादा बुरा मसला है दैट इज अ बैड दैट इज अ वर्स प्रॉब्लम वो एक ज्यादा बुरा मसला है दैट इज अ वर्स प्रॉब्लम वो एक ज्यादा बुरा मसला है दैट इज अ वर्स प्रॉब्लम वो एक बदतर मसला है दैट इज अ वर्स प्रॉब्लम वो एक बदतर मसला है सेंटेंस नंबर थ्री दैट वो इज है द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा बदतरीन 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 प्रॉब्लम मसला प्रॉब्लम मसला प्रॉब्लम मसला द वर्स्ट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बुरा मसला द वर्स्ट प्रॉब्लम बदतरीन मसला द वर्स्ट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बुरा मसला द वर्स्ट प्रॉब्लम बदतरीन मसला द वर्स्ट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बुरा मसला द वर्स्ट प्रॉब्लम सबसे बदतरीन मसला दैट इज द वर्स्ट प्रॉब्लम वो बुरा तरीन मसला है दैट इज द वर्स्ट प्रॉब्लम वो बुरा तरीन मसला है दैट इज द वर्स्ट प्रॉब्लम वो बदतरीन मसला है दैट इज द वर्स्ट प्रॉब्लम वो बदतरीन मसला है दैट इज द वर्स्ट प्रॉब्लम वो बदतरीन मसला है दैट इज द वर्स्ट प्रॉब्लम वो बदतरीन मसला है तवज्जो फरमाइए हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV जरूर सब्सक्राइब करें हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें अच्छे कमेंट जरूर करें बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके और जनाब भलाई का काम यानी इंग्लिश सीखने में लोगों की मदद करने के लिए
हमारा चैनल अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हमारा चैनल है www.englu.world/emntv। इस URL को आप ब्राउजर में डालेंगे तो डायरेक्ट YouTube की तरफ चला जाएगा। वैसे आप YouTube में जाके सर्च बार के अंदर इंग्लू या emntv टाइप करें, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। सेंटेंस नंबर 4, दैट वो इज है आ एक बिग बड़ा डिफिकल्टी मुश्किल बिग डिफिकल्टी बड़ी मुश्किल बिग डिफिकल्टी बड़ी मुश्किल अ बिग डिफिकल्टी एक 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 बड़ी मुश्किल दैट इज अ बिग डिफिकल्टी वो एक बड़ी मुश्किल है दैट इज अ बिग डिफिकल्टी वो एक बड़ी मुश्किल है दैट इज अ बिग डिफिकल्टी वो एक बड़ी मुश्किल है दैट इज अ बिग डिफिकल्टी वो एक बड़ी मुश्किल है दैट इज अ बिग डिफिकल्टी वो एक बड़ी मुश्किल है दैट इज अ बिग डिफिकल्टी वो एक बड़ी मुश्किल है। सेंटेंस नंबर 5, दैट वो इज है अ एक बिग बिगर ज्यादा बड़ा बड़ी बिगर बड़ा तर बड़े तर डिफिकल्टी मुश्किल bigger difficulty ज्यादा बड़ी मुश्किल a bigger difficulty एक ज्यादा बड़ी मुश्किल दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी वो एक ज्यादा बड़ी मुश्किल है दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी वो एक ज्यादा बड़ी मुश्किल है दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी वो एक ज्यादा बड़ी मुश्किल है दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी वो एक ज्यादा बड़ी मुश्किल है दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी वो एक ज्यादा बड़ी मुश्किल है। सेंटेंस नंबर 6, दैट वो इज है द बिगेस्ट सबसे बड़ा सबसे बड़ी डिफिकल्टी मुश्किल the biggest difficulty सबसे बड़ी मुश्किल that is वो है that is the biggest difficulty वो सबसे बड़ी मुश्किल है that is the biggest difficulty वो सबसे बड़ी मुश्किल है that is the biggest difficulty वो सबसे बड़ी मुश्किल है that is the biggest difficulty वो सबसे बड़ी मुश्किल है that is the biggest difficulty वो सबसे बड़ी मुश्किल है that is the biggest difficulty वो सबसे बड़ी मुश्किल है। तो जब फरमाइए, याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर खोना पड़ता है, किसी ना किसी सूरत में खोना पड़ता है। कुछ ना कुछ खोए बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आपके अंदर इंग्लिश पर बोलने की सच्ची लगन है तो जब जब आप फारिग हो, जब जब आपको वक्त मिले, इंग्लू इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को सुनना शुरू कर दें, और जितनी ज्यादा आप सुनते रहेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी पर इंग्लिश बोलने की जो सलाहियत है उसके अंदर मजबूती पैदा होती चली जाएगी। सेंटेंस नंबर 7, दैट वो इज है आ एक बैड बुरा ईज आसानी इजी वाला ईज है ये ईज आसानी bad ease बुरी आसानी a bad ease एक बुरी आसानी a bad ease एक बुरी आसानी
अ बैड इज एक बुरी आसानी, अ बैड इज एक बुरी आसानी, दैट इज अ बैड इज वो एक बुरी आसानी है, दैट इज अ बैड इज वो एक बुरी आसानी है, दैट इज अ बैड इज वो बुरी आसानी है, दैट इज अ बैड इज वो एक बुरी आसानी है, दैट इज अ बैड इज वो एक बुरी आसानी है। सेंटेंस नंबर 8, दैट वो इज है अ एक वर्स ज्यादा बुरा, ज्यादा बुरी, ज्यादा बुरे, वर्स ज्यादा बुरा, वर्स ज्यादा बुरा, वर्स ज्यादा बुरा, वर्स ज्यादा बुरा, इज आसानी, इज आसानी, इज आसानी, इज आसानी, इज आसानी, वर्स इज ज्यादा बुरी 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 आसानी, अ वर्स इज एक 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 बुरी तर आसानी, अ वर्स इज एक बदतर आसानी, अ वर्स इज एक बदतर आसानी, अ वर्स इज एक बदतर आसानी, दैट इज अ वर्स इज वो एक ज्यादा बुरी आसानी है, दैट इज अ वर्स इज वो एक ज्यादा बुरी आसानी है, दैट इज अ वर्स इज वो एक ज्यादा बुरी आसानी है, दैट इज अ वर्स इज वो एक ज्यादा बुरी आसानी है, दैट इज अ वर्स इज वो एक ज्यादा बुरी आसानी है। सेंटेंस नंबर 9, दैट वो इज है द वर्स्ट बदतरीन सबसे ज्यादा बुरा, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, द वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा, बदतरीन, इज आसानी, इज आसानी, द वर्स्ट इज बदतरीन आसानी, द वर्स्ट इज बदतरीन आसानी, द वर्स्ट इज बदतरीन आसानी, द वर्स्ट इज सबसे ज्यादा बुरी 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 आसानी, दैट इज द वर्स्ट इज वो सबसे ज्यादा बुरी आसानी है, दैट इज द वर्स्ट इज वो सबसे ज्यादा बुरी आसानी है, दैट इज द वर्स्ट इज वो सबसे ज्यादा बुरी आसानी है, दैट इज द वर्स्ट इज वो सबसे ज्यादा बुरी आसानी है, दैट इज द वर्स्ट इज वो सबसे ज्यादा बुरी आसानी है, दैट इज द वर्स्ट इज वो सबसे ज्यादा बुरी आसानी है। तो जब फरमाइए इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेस करें और अपने लिए रोजगार और आमदनी के जबरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप ऑफिस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं ऑफिस के कामकाज के हवाले से ट्रेनिंग दें। इंग्लू बिजनेस प्रोफेशनल, अगर आप बिजनेस से मुतालिक हैं बिजनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो बिजनेस से मुतालिक ट्रेनिंग है। इंग्लू अकाउंटिंग प्रोफेशनल, अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। इंग्लू मल्टीमीडिया प्रोफेशनल, वीडियोस बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाना चाहते हैं यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया वीडियोस वगैरह, इंग्लू मल्टीमीडिया प्रोफेशनल कोर्स है। इंग्लू वेब प्रोफेशनल, अगर आप वेब प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। इंग्लू डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। इंग्लू कंटेंट राइटर प्रोफेशनल, अगर आप आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं इंटरनेट पे, ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं और दूसरा कंटेंट लिखना चाहते हैं, कॉपी राइटिंग करना चाहते हैं, ये उसके लिए कोर्स है। इंग्लू अकेडमिक राइटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर आप अकेडमिक राइटिंग यानी थीसिस, डिसर्टेशंस और रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह एसेज वगैरह लिख कर कमाना चाहते हैं। कंटेंट राइटर्स बहुत बहुत ज़बरदस्त इनकम होती है, अकेडमिक राइटर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाते हैं। इंग्लू डेटा एंट्री प्रोफेशनल, इंटरनेट के ऊपर टाइपिंग की जॉब्स होती हैं, इसके अलावा कॉपी पेस्टिंग की जॉब्स होती हैं वगैरह वगैरह, इन्हें अगर आप डेटा एंट्री प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। और इसी तरह सोशल मीडिया प्रोफेशनल वगैरह, वेबसाइट हमारी है www.inglu.world और इंशाल्लाह करीब हम एक एक करके ये कोर्सेज लॉन्च करना शुरू करेंगे। बढ़ते हैं जनाब अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा 10वां सेंटेंस है, दैट वो इज है अ एक बिग बड़ा इशू मामला मसला, इशू मामला मसला, इशू मामला या मसला, बिग इशू बड़ा मामला बड़ा मसला, बिग इशू बड़ा मामला बड़ा मसला,
बिग इशू बड़ा मसला, बिग इशू बड़ा मसला, बिग इशू बड़ा मसला, बिग इशू बड़ा मसला, अ बिग इशू एक 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 बड़ा मसला, दैट इज अ बिग इशू वो एक बड़ा मसला है, दैट इज अ बिग इशू वो एक बड़ा मामला है, दैट इज अ बिग इशू वो एक बड़ा मसला है, दैट इज अ बिग इशू वो एक बड़ा मामला है, दैट इज अ बिग इशू वो एक बड़ा मसला है, दैट इज अ बिग इशू वो एक बड़ा मामला है। सेंटेंस नंबर 11, दैट वो इज है, अ ए बिगर ज्यादा बड़ा, इशू मामला, बिगर इशू ज्यादा बड़ा मसला, 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 बिगर इशू ज्यादा बड़ा मामला, बिगर इशू ज्यादा बड़ा मामला, अ बिगर इशू एक ज्यादा बड़ा मसला, अ बिगर इशू एक ज्यादा बड़ा मसला, अ बिगर इशू एक ज्यादा बड़ा मसला, अ बिगर इशू एक ज्यादा बड़ा मामला, दैट इज अ बिगर इशू वो एक ज्यादा बड़ा मसला है, दैट इज अ बिगर इशू वो एक ज्यादा बड़ा मसला है, दैट इज अ बिगर इशू वो एक ज्यादा बड़ा मसला है, दैट इज अ बिगर इशू वो एक ज्यादा बड़ा मसला है, दैट इज अ बिगर इशू वो एक ज्यादा बड़ा मसला है, दैट इज अ बिगर इशू वो एक ज्यादा बड़ा मसला है। सेंटेंस नंबर 12, दैट वो इज है द बिगेस्ट सबसे बड़ा, द बिगेस्ट सबसे बड़ा, द बिगेस्ट सबसे बड़ा, द बिगेस्ट सबसे बड़ा, इशू मामला मसला, इशू मामला मसला, इशू मामला मसला, द बिगेस्ट इशू सबसे बड़ा 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 मामला, द बिगेस्ट इशू सबसे बड़ा मामला, दैट इज द बिगेस्ट इशू वो सबसे बड़ा मामला है, दैट इज द बिगेस्ट इशू वो सबसे बड़ा मसला है, दैट इज द बिगेस्ट इशू वो सबसे बड़ा मसला है, दैट इज द बिगेस्ट इशू वो सबसे बड़ा मसला है, दैट इज द बिगेस्ट इशू वो सबसे बड़ा मसला है, दैट इज द बिगेस्ट इशू वो सबसे बड़ा मसला है। तवज्जो फरमाइए, इंग्लू ऑनलाइन कोचिंग सेंटर अपनी पसंद के दिनों में घर बैठे तमाम सब्जेक्ट सीखिए, इम्तिहान में जबरदस्त नंबर हासिल करें, अपनी पसंद के दिनों में सीखिए, अपनी पसंद की टाइमिंग्स में सीखिए, अपने पसंद की रफ्तार से सीखिए, घर बैठे वीडियोस की मदद से सीखिए, जितनी बार चाहे वीडियोस चलाएं, जितनी बार चाहे सीखिए, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी बीकॉम बीबीए एमएससी एमकॉम एमबीए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस Accounting, Economics, Statistics, Business Math, Business Communication, Management, Marketing and many more subjects. Site का नाम हमारी याद रखिएगा www.englu.world. ये हमारा project under development है, इंशाल्लाह करीब हम एक एक करके courses को launch करेंगे। अच्छा जी, अब वक्त आया है आपके exam का, तो अब मैं आपको translation बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं आपके सामने sentences पढ़ूंगा और मेरे sentences को सुनकर आपने दिमाग ही दिमाग के अंदर कैलकुलेट करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैं सिर्फ अब इंग्लिश पढ़ूंगा और आप इसकी मीनिंग जो है अपने दिमाग में डेवलप करेंगे बनाएंगे। चलें शुरू करते हैं। दैट इज अ बैड प्रॉब्लम, दैट इज अ बैड प्रॉब्लम, दैट इज अ बैड प्रॉब्लम, दैट इज अ बैड प्रॉब्लम। आप अपने दिमाग में समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलें जी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। दैट इज अ वर्स प्रॉब्लम, That is a worse problem. 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 Sentence number 3. That is the worst problem. 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 तो मैं जैसे जैसे आपके सामने सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, आपने इसकी मीनिंग अपने जहन में डेवलप करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज अ बिग डिफिकल्टी, 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 दैट इज अ बिग डिफिकल्टी। नेक्स्ट सेंटेंस। दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी,
दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी, दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी, दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी, दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी, दैट इज अ बिगर डिफिकल्टी. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज द बिगेस्ट डिफिकल्टी, 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 दैट इज द बिगेस्ट डिफिकल्टी. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज अ बैड ईज, 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 दैट इज अ बैड ईज. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज अ वर्स ईज, 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 दैट इज अ वर्स ईज. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज द वर्स्ट ईज, 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 दैट इज द वर्स्ट ईज. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज अ बिग इशू, 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 दैट इज अ बिग इशू. नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज अ बिगर इशू, 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 दैट इज अ बिगर इशू. नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, दैट इज द बिगेस्ट इशू, 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 दैट इज द बिगेस्ट इशू. इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है. अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.